जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक 2 BHK का फ्लैट लेकर आया हूं जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन में बना हुआ है और इसकी मेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। इसमें जो रूम साइजेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, इसका जो लिविंग स्पेस का साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसकी जो किचन है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है। किचन और एक बेडरूम आपको फ्रंट की तरफ मिलता है जबकि एक बेडरूम आपको पीछे की तरफ मिलता है और उसमें भी आपको शाफ्ट के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है। इसकी जो मेकिंग है दोस्तों वो मेकिंग काफ़ी अच्छी है। ये फ्लैट आपको विद कार पार्किंग मिलता है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोन भी आपका इसमें इजीली हो सकता है। मेन मेट्रो लाइन से इसका जो डिस्टेंस है करीबन 900-950 मीटर के डिस्टेंस पर है। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका है दोस्तों वो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन है। वाजिब कीमत है, अच्छी लोकेलिटी है, गेटेड सोसाइटी है, डेफिनेटली दोस्तों आपको ये फ्लैट पसंद आने वाला है। तो चलिए इस फ्लैट की एक छोटी सी विजिट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए शुरू करते हैं आपके फ्लैट की एक छोटी सी विजिट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओवरव्यू की। तो एंट्री करने के बाद हमारा लिविंग स्पेस है, लिविंग स्पेस के ठीक सामने यानी कि फ्रंट साइड पे हमारे किचन और हमारा एक बेडरूम है और बेडरूम हमारा बालकनी के साथ दोस्तों अटैच भी है। इस तरफ हमारा कॉमन वॉशरूम है और इस तरफ दोस्तों हमें हमारा दूसरा बेडरूम मिल जाता है। ये हमारा मास्टर बेडरूम भी है क्योंकि इसके साथ हमारा वॉशरूम अटैच है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बात हमारे लिविंग स्पेस की। लिविंग स्पेस का साइज काफ़ी अच्छा है दोस्तों, करीबन 14 फीट बाय और लगभग 10.5 फीट का हमें लिविंग स्पेस मिलता है, जिसमें एक तरफ हमें सोफा लगाने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है तो दूसरी तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़ा टीवी पैनल मिल जाता है। दोस्तों इस फ्लैट की हमने 1 BHK की एक वीडियो रिसेंटली दोस्तों अपलोड की है तो आपको काफ़ी हद तक सिमिलर सी वीडियो लगेगी। इस फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम एक्स्ट्रा है, अदरवाइज दोस्तों ऑलमोस्ट काम वैसा ही किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हमारे इस 2 BHK फ्लैट की। तो इस तरह दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा टीवी पैनल मिल जाता है, LED पैनल है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी और इस तरफ भी और नीचे भी आपको सामान रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है। आप अपने बुक्स रख सकते हैं, प्रॉपर बुक शेल्फ यहाँ बनाई गई हैं या फिर कोई और आइटम भी यहाँ पर आप रख सकते हैं दोस्तों। कॉब लाइट का काम इसमें किया गया है दोस्तों, जिससे कि इसकी गेटअप काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। लिविंग स्पेस में दोस्तों आपको चारों तरफ वॉलपेपर का काम मिलता है, डिजाइनर्स वॉल मिलती हैं, इस तरफ भी आपको डिजाइनर वॉल मिलती है, जबकि सामने की वॉल और साइडों की वॉल है दोस्तों इस पर भी आपको डिजाइनर वर्क मिलता है। फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग आपको प्रॉपर LED लाइट एंड कॉब लाइट के साथ मिल जाती है। टाइल की अगर बात करें दोस्तों तो टाइल वर्क भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का किया गया है। यहाँ विट्रीफाइड टाइल्स का यूज़ किया गया है, स्क्रेचलेस टाइल्स हैं तो लॉन्ग लास्टिंग टाइल्स हैं, आपको सालों साल दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। तो
तो लिविंग स्पेस के बाद अब हम लोग आपको ले चलते हैं आपके किचन की तरफ। किचन में दोस्तों एंट्री करने से पहले मैं आपको फ्रिज का स्पेस दिखाना चाहता हूं। यहां आपको प्रॉपर फ्रिज रखने के लिए स्पेस मिलता है, काफी स्पेस है, तो इजीली आप अपना छोटा या बड़ा जैसा भी फ्रिज रखना चाहते हैं आप यहां रख सकते हैं। स्विच एंड सॉकेट यहां दिए गए हैं ताकि आप अपना इलेक्ट्रिक कनेक्शन वहां से कर सकें। काफी बड़ी और वाइड किचन आपको मिल जाती है दोस्तों, करीबन 12 फीट बाय और लगभग 5 फीट की किचन आपको यहां पे मिलती है। एल टाइप का आपको टॉप मिलता है। इस तरफ दोस्तों आपको वॉशिंग एरिया मिलता है अपने बर्तन साफ करने के लिए। इस तरफ आपको चिमनी मिलती है। 1 BHK फ्लैट में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो कि इसके बिल्कुल साथ में है, कि आपको ईस्ट की तरफ फेस कर आप अपना खाना पकाएंगी, तो यहां भी आपको ईस्ट की तरफ ही फेस करके अपना खाना पकाना है। यानी कि वास्तु के लिहाज से भी आपको ये किचन काफी अच्छी मिल जाती है। व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, काफी अच्छा, टाइल्स का भी और माइका का भी। इस तरफ व्हाइट कलर की टाइल्स है, देन इस तरफ आपको ब्लैक कलर की टाइल्स मिलती हैं। ब्लैक कलर का ग्रेनाइट टॉप आपको मिलता है दोस्तों, मोल्डिंग वर्क आपको मिलता है। नीचे आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर बास्केट्स मिलती हैं। चैनल्स जो लगाए गए हैं दोस्तों काफी अच्छे हैं और काफी अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको प्रॉपर स्टोरेज मिल जाती है। किचन में लाइटिंग भी प्रॉपर मिलती है दोस्तों, आपको आपको ट्यूबलाइट भी मिलती है और जो सीलिंग की लाइट्स हैं LED लाइट्स वो भी आपको इसमें मिलती है। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको प्रॉपर विंडो मिलती है, एग्जॉस्ट लगाने का स्पेस मिलता है। एग्जॉस्ट नहीं भी लगाएंगे तो वहां से रोशनी भी आएगी दोस्तों और फ्रेश एयर भी आपको मिलती रहेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी किचन। अब हम लोग बात करेंगे हमारे पहले बेडरूम के बारे में। तो ये है दोस्तों हमारा पहला बेडरूम, जो कि बालकनी के साथ भी अटैच रूम है हमारा। इसमें जो फ्लोरिंग की गई है दोस्तों ये टाइल ही लगाई गई है, लेकिन वुडन शेड की टाइल है, तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि यहाँ पर वुडन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ आपको बहुत अच्छी और प्यारी डिजाइन वॉल मिलती है दोस्तों, जबकि फॉल सीलिंग के डिजाइन आपको काफी अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरफ आपको रूफ हाइट तक की वार्डरोब मिलती है। इस तरह दोस्तों काफी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है, ऊपर आपको प्रॉपर विंडो एसी लगाने का स्पेस मिलता है। इस फ्लोर के अंदर जितने स्विच एंड सॉकेट यूज किए गए हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं आपकी बालकनी। ये है दोस्तों हमारी बालकनी, काफी वाइड और अच्छी बालकनी हमें यहाँ पे मिलती है। नॉन स्लिपरी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस तरफ आपको वॉशिंग एरिया मिलता है, यहाँ पे आपको टैब लगाने का स्पेस मिलता है। देन 20 एम्पेयर का स्विच आपको मिलता है, हैवी स्विच है, आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे इजिली चला सकते हैं। रूफ हाइट तक की टाइल्स आपको मिलती है दोस्तों। इस तरफ आपको स्टील की रेलिंग मिलती है, आप देखेंगे JNB की क्वालिटी है, 304 की स्टैम भी आपको बाकायदा मिलेगी। लॉन्ग लास्टिंग ये स्टील है दोस्तों, सालों साल ऐसे ही ये चमकता रहेगा। बाहर की गली और एलिवेशन लोकेशन में आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों ऑलमोस्ट 25 फीट की ये रोड है, सामने गेट लगे हुए, गेट से जैसे आप लोग राइट लेंगे, राइट लेने के बाद आपको एक टर्न और लेना है और आप पहुँच जाते हैं मेन मेट्रो लाइन पर। तो ये थी दोस्तों हमारी बालकनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका कॉमन वॉशरूम। ये है दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम। इसका जो साइज है वो करीबन 5 फीट बाय और लगभग 4.5 फीट का है। ऑलमोस्ट स्क्वायर का ये वॉशरूम है दोस्तों। शाफ्ट के साथ ये अटैच है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। रूफ हाइट तक की टाइल्स आपको मिलेंगी। जितनी भी फिटिंग्स यहाँ लगाई जाएंगी दोस्तों वो सारी क्वालिटी की मिलेंगी, ISI मार्का मिलेंगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको गीजर का भी प्रॉपर स्पेस मिलता है और उसकी प्रॉपर फिटिंग भी आपको यहाँ पर मिलती है। मैं गीजर लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ उसकी फिटिंग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड बेडरूम के बारे में। ये है दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम और इसका जो साइज है वो करीबन 10 फीट बाय और लगभग दोस्तों 9.5 फीट का है। इस बेडरूम में दोस्तों आपको एक तरफ डिजाइनर वॉल मिलती है, जबकि यहाँ भी आपको फॉल सीलिंग के डिजाइन काफी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ भी दोस्तों वुडन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि टाइल्स है लेकिन वुडन कलर में है। और इसके साथ भी आपको एक वॉशरूम अटैच मिलता है और इस वॉशरूम का जो साइज है ये भी दोस्तों काफी अच्छा है। वॉशरूम का जो साइज है दोस्तों वो करीबन 4.5 फीट बाय और 4 फीट का है। रूफ हाइट तक इसमें भी आपको टाइल मिलती है, ड्यूअल शेड में टाइल्स यूज की गई है, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिलता है। शाफ्ट के साथ ये वॉशरूम भी आपका अटैच है, डाइवर्टर दोस्तों लगाया गया है। इसके अलावा इसमें भी जो फिटिंग्स लगेंगी वो सारी क्वालिटी की लगेंगी और दोस्तों काफी अच्छी लगने वाली है। तो ये है दोस्तों 2 BHK का अल्टीमेट फ्लैट, जो कि 60 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर्स है, जबकि स्लैब एरिया इसका 65 स्क्वायर यार्ड है। सामने की रोड दोस्तों 25 फीट की है, ऑलमोस्ट 25 फीट की है,
गेटेड सोसाइटी है, मेन रोड से भी दोस्तों ज़्यादा दूर ये बिल्डिंग नहीं है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोन भी आपका इसमें इजीली हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। 2BHK का की कलेक्शन में ये एक अच्छा फ्लैट हो सकता है दोस्तों, एक अच्छी च्वाइस आप लोगों के लिए हो सकती है। इसकी जो कीमत रखी गई है दोस्तों वो काफ़ी कम रखी गई है, 24,90,000 रुपये में आपको ये 2BHK का बहुत ही शानदार अल्टीमेट फ्लैट और वो भी विद कार पार्किंग मिल जाता है। दोस्तों कोविड का टाइम चल रहा है, दोबारा से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोगों को न्यूज़ के जरिए ज़रूर ये खबर मिल रही होगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेफली रहिएगा, हम लोग आपको आपके घर बैठकर ही आपके मनपसंद फ्लैट्स दिखाते रहेंगे, आराम से बैठ के इंजॉय कीजिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये फ्लैट अच्छा है और इसके लिए हम लोग जा सकते हैं, इसकी कीमत भी वाजिब है, देन दोस्तों आप घर से निकलिएगा और हमारे ऑफिस में आइएगा। और हमारे क्या दोस्तों, आपका अपना ऑफिस है, आप ज़रूर आइएगा, विजिट कीजिएगा। हम लोग अपने ऑफिस में भी पूरी सावधानी बरतते हैं, जितना भी हमारा स्टाफ है, जितने भी हमारे गेस्ट, हमारे दोस्त हमारे यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, उन सब को हम लोग प्रॉपर सैनिटाइज करके ही अपने ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फ्लैट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा फ्लैट है, आपका घर बनने के लायक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, जय भोलेनाथ।